लेके आया हूँ अमेरिका से। माइकल, एक आया कि उसके डॉक्टर ने फोन किया लंदन से कि तेरी माँ आखिरी सांसें ले रही है, तू अभी का अभी रवाना हो गया। माइकल भागा वहीं से जहाँ से सुना, सीधा एयरपोर्ट, और यूनाइटेड एयरलाइंस की उसने टिकट ली लंदन की, वो करेक्ट फ्लाइट थी। फ्लाइट के अंदर बैठा, अब इसको उसकी माँ याद आ रही है कि मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही है। अब वो रोते रहा है, इतने में तो देखता है कि थोड़ी 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा डिले। एयर होस्टेस आई, बोली देवियों सज्जनों, जिसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है वो उतर जावे, हम पहुंच नहीं पाएंगे, हमारी फ्लाइट 2 घंटे डिले चल रही है। अब जैसे इसने सुना, इसका दिल बैठ गया और ये जोर जोर से रोने लगा। पब्लिक इकट्ठा हो गई, वो एयर होस्टेस गई, बोले क्या हुई? बोली मेरी माँ मरने के कगार पे है और मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो बोला हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो फ्लाइट का काम है। बोला वो तो आप जानो, पर मैं मेरी माँ का चेहरा देखना चाहता हूँ। वो एयर होस्टेस गई कैप्टन के पास और पूरी बात बताई, और वो कैप्टन ने क्या किया इंटेलिजेंटली, उसने यूनाइटेड एयरलाइंस के सीईओ को फोन किया कि इस टाइम में हमको इस आदमी को हेल्प करनी चाहिए। Yes. बोले क्या करो? बोले ये 4 घंटे की फ्लाइट है ना, मैं 3 घंटे में लाऊंगा, आप सामने वाली जो फ्लाइट एयरलाइन है ना उनके सीईओ को फोन कीजिए कि वो 1 घंटा रोके। उसने रोकी गई और बॉस ऐसा ही हुआ कि वो घंटे, उसने 4 घंटे की फ्लाइट 3 घंटे में लाया और वहाँ उसने फ्लाइट रोकी, ये लंदन पहुंचा, घर पे माँ से मिला, माँ को देख के इसका दिल खुश हो गया। लास्ट माँ आखिरी सांसें गुन रही थी, आधा घंटा माँ के साथ गुजारा, माँ चल बसी। माँ का क्रिमिनेशन कर दिया। उसके बाद इस बंदे ने सोशल साइट पे जाके यूनाइटेड एयरलाइंस को और सामने वाली जो एयरलाइंस थी ना उन दोनों को ग्रेटिट्यूड लिखा कि सर बियॉन्ड द ड्यूटी जाके इन्होंने जो मेरी कभी हेल्प की है ऐसी कोई कर नहीं सकता। ये बात जब न्यूयॉर्क टाइम्स में जगह सब जगह स्प्लैश हुई, इतनी बड़ी वायरल हो गई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। और आर इसी के लिए बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं कस्टमर सर्विस। आप है ना सर, आप पॉजिटिव, आप बिजनेस लेके बैठे हैं ना, आप ऐसी पॉजिटिव सर्विस दीजिए, कस्टमर के दिमाग में ऐसी गोल्डन मेमोरीज बिठा दीजिए कि वो आपको भूल नहीं पाए। इसको बोलते हैं रियल सर्विस। मैं आपको दूसरी कहानी लेके आया हूँ हिंदुस्तान की। बम्बई की एक लेडी है जो 62 साल की, लॉकडाउन का पीरियड था, उसकी बेटी को बेटा हुआ देहरादून में, तो उसको गोंद के लड्डू भेज देते। तो गोंद के लड्डू दिए उसने फेडेक्स वाले को, कोरियर वाले को कि भाई दे दे। गोंद के लड्डू बम्बई से दिल्ली गए, दिल्ली से देहरादून गए, और जब वो पहाड़ चढ़ रहा था वो लड़का डिलीवरी बॉय, उसकी मोटर बाइक फिसल गई और वो लड्डू बिखर गए। उसने स्टेशन इंचार्ज को फोन करके बोला कि सर लड्डू बिखर गए। तो उन्होंने बोला कि जो साबत बच्चे हैं वो लड्डू तू लेके आए। वो साबत बच्चू लेके आए तो उन्होंने स्टाफ को इकट्ठा किया, बोला कि ये पहले टेस्ट करो। टेस्ट किया और लेडीज को बोला कि ऐसे ही लड्डू बनाओ। आप सोचिए, उन्होंने फिर लड्डू बनाया, लड्डू बनाया, टेस्ट किया, तो वो टेस्ट आ नहीं रहा। एक बार बनाया, दो बार बनाया, 3 बार वो लड़कियों ने, और वो टेस्ट आ नहीं रहा था। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तब मालूम है। सोचिए मेरी बात, वहाँ का मैनेजर बड़ा क्रिएटिव था, उसने यहाँ वाली आंटी को फोन किया कि हम कोई कॉन्टेस्ट से फोन कर रहे हैं, आपको अगर गोंद के लड्डू की रेसिपी अगर आपकी सक्सेस होगी तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, तो आप हमको गोंद के लड्डू की रेसिपी दीजिए। उन्होंने गोंद के लड्डू की रेसिपी दी। वो रेसिपी इन्होंने क्या किया कि जो 2-3 इंग्रेडिएंट्स कम थे ना वो उसमें ऐड किए और 5 घंटे में गोंद के लड्डू रेडी हो गए। और वो गोंद के लड्डू को उन्होंने बेटा के वहां पे डिलीवरी दे दिया। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो काम हो गया, लड़की खुश हो गई, माँ खुश हो गई, पर फेडेक्स को लगता था कि ये हमने सही नहीं किया। तो उन्होंने एक अपॉलोजी लेटर लिख के बम्बई में उसकी माँ के पास, साहब हमारा काम हमने किया पर ये हमारी, वो माँ इतनी खुश हो गई, उसने अपने बेटी को ये सब बात बताई और उस बेटी ने सोशल साइट पे ये स्टोरी डाली। तो आज जो अमेजॉन प्राइम में आप गोंद के लड्डू का आइडिया देखते हैं ना सर, वो वही है सर। जीवन में सर है ना, आप बिजनेस लेके बैठे हैं, आप अपने कस्टमर्स के दिमाग में है ना पॉजिटिव मेमोरी कुछ ऐसे कीजिए कि वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाए। तो जिंदगी में सर कस्टमर सर्विस इसको बोलते हैं। तो याद कीजिए सर, लोगों की सेवा करती रहिए और मस्त रहिए।